इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीबी न्यूज। यूं तो आपने कई अनोखे बच्चे देखे होंगे, लेकिन जापान की राजधानी टोक्यो में दुनिया के सबसे छोटे बच्चे ने जन्म लिया है। इस बच्चे का साइज एक प्याज के बराबर है, जो किसी भी इंसान की हथेली में समा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो की कियो यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जन्मे इस बच्चे का वजन पैदाइश के समय महज 268 ग्राम था। इस बच्चे का जन्म प्रीमैच्योर बेबी के रूप में केवल 24 हफ्तों में हुआ था। दरअसल गर्भावस्था के दौरान बच्चे की ग्रोथ होनी बंद हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक ग्रोथ ना होने से बच्चे की जान को खतरा था, जिसको देखते हुए समय से पहले ही ऑपरेशन की मदद से बच्चे का जन्म करवाया गया। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने बच्चे की ब्रीदिंग और न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखते हुए बच्चे को 5 महीने तक हॉस्पिटल की इंटेंसिव केयर नर्सरी में रखकर उसका इलाज किया। इलाज के बाद इस बच्चे का वजन 3 किलो 32 ग्राम होने के बाद इस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छी बात यह है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा की टाइनिएस्ट बेबी रजिस्ट्री के मुताबिक इससे पहले साल 2009 में जर्मनी में दुनिया के सबसे छोटे बच्चे का जन्म हुआ था और इस बच्चे का वजन मात्र 274 ग्राम था, लेकिन इस साल जापान में 268 ग्राम वजन के साथ इस बच्चे ने दुनिया के सबसे छोटे बच्चे का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।